रूप से जो भी हम पादप की बॉडी पे कार्य कर सकते हैं वो सारे होते हैं एक फिजिकल कंट्रोल द्वारा, एक होते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल। बायोलॉजिकल कंट्रोल का मतलब होता है जैविक नियंत्रण, यानी कि जीव द्वारा नियंत्रण करना। जैसे किसी रोग प्लांट खेत के अंदर या बाजरे के खेत में कौन फैला हुआ है, स्क्लेरोस्पोरा फैला हुआ है, तो हम उस खेत के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो छोटे माइट्स होते हैं उनको, या छोटी वाली जो बटरफ्लाई होती है उनको, या बर्ड्स को क्या करते हैं, इनवाइट करते हैं, निमंत्रण देते हैं। निमंत्रण का मतलब उनको वहाँ दाना पानी दे देते हैं, दाने डाल देते हैं, तो वो दाना खाने जब आती हैं तो फंगस के जो स्पोर्ट हैं, फंगस जो लीफ के ऊपर चिपकी हुई है, वो फंगस को भी क्या कर जाती हैं, खा जाती हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और जब सारे ट्रीटमेंट कर लेते हैं फिर भी वो डिजीज़ ख़त्म नहीं होती है, तो सबसे लास्ट में करते हैं केमिकल कंट्रोल, रासायनिक उपचार। और रासायनिक उपचार को कंप्लीट करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, रसायनों का उपयोग करते हैं, यानी कि रासायनिक पदार्थों का क्या करते हैं, पादप की बॉडी के ऊपर छिड़काव किया जाता है, और उसके छिड़काव करने से पादप के ऊपर जो भी रोग होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो इस तरीके से किसी भी रोग को कंट्रोल करने के लिए तीन प्रकार के जो ट्रीटमेंट्स होते हैं उनकी आवश्यकता होती है। तो चलो आज अपन आगे बात करते हैं इसकी। फर्स्ट अपन ने देखा इसका होस्ट, नेक्स्ट पॉइंट्स जो है वो चलते हैं हम इसका भौगोलिक वितरण। फर्स्ट पॉइंट था अपना होस्ट, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं अपन भौगोलिक वितरण। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, भौगोलिक वितरण। भौगोलिक वितरण की बात करें तो सिंपल सी बात है कि जहाँ बाजरा उगाया जाता है वहीं तो रोग फैलेगा। तो बाजरे का उत्पादन कहाँ कहाँ होता है वही हमें स्टेट लिखने हैं। जैसे अपन बात करें राजस्थान, राजस्थान में सबसे ज़्यादा बाजरा उगाया जाता है, इसका मतलब राजस्थान के अंदर ये डिजीज जो है वो सबसे ज़्यादा उत्पन्न होगी। और इसके अलावा यह रोग कहाँ होता है, महाराष्ट्र में भी होता है, क्योंकि महाराष्ट्र में भी जो है वो बाजरा सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। तो मैंने अभी आपको समझाया कि ये रोग उन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा होगा जहाँ बाजरे की फसल उगाई जाती है, और बाजरे की फसल जो है वो भारत में सबसे ज़्यादा उगाई जाती है, राजस्थान में और महाराष्ट्र में। और अगर अपन और आगे बात करते हैं कि दुनिया में कहाँ कहाँ बाजरा होता है, तो एशिया और अफ्रीका में भी खूब बाजरा होता है। तो हम इसी के साथ लिख देते हैं, ये तो हुई भारत की बात। और अगर अपन और आगे चलते हैं तो हम लिखेंगे इसके अंदर एशिया और अफ्रीका, क्योंकि एशिया में और अफ्रीका में जो है बाजरा सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। जियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसके बाद में हम लिखते हैं इसके सिम्टम्स, यानी कि लक्षण, सिम्टम्स। अब बाजरा कहाँ कहाँ उगाया जाता है ये हमने बता दिया। संक्रमण किस पे फैलेगा, ब्रेमिनी फैमिली के ऊपर फैलेगा। कौन फैलाएगा, स्क्लेरोस्पोरा फैलाएगा। तो स्क्लेरोस्पोरा जैसे ही बाजरे के ऊपर संक्रमण करता है तो बाजरे के पादप पे कैसे लक्षण दिखाई देते हैं, किस भाग पे दिखाई देते हैं ये हमें लिखना। तो पहला लक्षण कि इसके सिम्टम्स जो हैं वो किस पे दिखाई देते हैं, पत्तियों पर व पुष्पक्रम पर। किस पे दिखाई देते हैं, पत्तियों पर और पुष्पक्रम पर। पत्तियां तो हरे रंग की होती हैं बाजरे की, अगर उनके ऊपर संक्रमण हो गया तो वो कैसे कलर की हो जाएंगी, या तो भूरे या पीले रंग की, या तो वो भूरे रंग की हो जाएंगी या वो पीले रंग की हो जाएंगी। और यदि संक्रमण पुष्पक्रम पे होता है तो जो पुष्पक्रम है जो पहले वाइट कलर का था, अब ये कैसे रंग का हो जाएगा, हरे रंग का हो जाएगा।
तो जो पुष्प कर्म था, जो इन्फ्लोरेसेंस है, वो कैसे रंग का हो जाएगा? हरे रंग का हो जाता है। और यदि और आगे संक्रमण बढ़ता है तो पादप के दूसरे जो पार्ट होते हैं उनके ऊपर भी ये संक्रमण बढ़ जाता है। अब अपन बात करते हैं किसकी, पत्तियों की, कि यदि ये इसकी लीफ पे संक्रमण करता है तो वो भूरे रंग की या पीले रंग की जब हो जाती है तो कौन सी स्टेज होती है? तो इसके लिए एक स्टेज आती है, उस स्टेज का जो नाम है वो होता है डाउनी मिल्ड्यू स्टेज। मृदु रोमिल आसिता अवस्था, मृदु रोमिल आसिता अवस्था। तो इस मृदु रोमिल आसिता जो अवस्था है इसके ऊपर ये किस अवस्था में दिखाई देगी, किसके ऊपर दिखाई देगी? पत्तियों के ऊपर दिखाई देगी। जो पादप की पत्तियां हैं उसके नीचे की सरफेस, उसकी डाउन सरफेस, उसके ऊपर क्या दिखाई देगा? आसिता। आसिता का मतलब पाउडर। तो जो पत्ती है उसके नीचे की सतह के ऊपर सफ़ेद रंग का एक पाउडर दिखाई देता है। उस पाउडर के कारण लीफ का जो हरा रंग होता है वो नष्ट हो जाता है और लीफ भूरे रंग की या पीले रंग की हो जाती है। और नीचे की जो सरफेस होती है वो कैसे रंग की होती है? सफ़ेद रंग की होती है। और अगर यही संक्रमण किसके ऊपर होता है? पुष्प कर्म के ऊपर होता है, तो पुष्प का जो फ्लावर होता है वो कैसा हो जाता है? जो पहले ब्राउन कलर का था अब वो हरे रंग का हो जाता है। और यदि यही संक्रमण पुष्प पे होता है तो इसे कहा जाता है ग्रीन ईयर डिजीज। स्टेज, हरित वाली तो उसे क्या कहते हैं? हरित वाली अवस्था। तो इसको एक बार मैं आपको वापस समझाती हूँ कि यदि स्क्लेरोस्पोरा अपना संक्रमण किस पे करता है? पत्तियों पे करता है, तो जनरली पत्तियों का रंग भूरे रंग का या जनरली पत्तियों का रंग हरे रंग का होता है, लेकिन संक्रमण के कारण कैसे कलर का हो जाता है? वो ब्राउन या फिर येलो, भूरा या सफ़ेद रंग का हो जाता है। तब वो लीफ की जो लोअर सरफेस होती है उसके ऊपर एक पाउडर फॉर्मेशन बन जाता है, मिल्ड्यू फॉर्मेशन बन जाता है। तो पत्तियों की जो नीचे की सतह होती है वो कैसे रंग की हो जाती है? सफ़ेद रंग की हो जाती है। और यदि यही संक्रमण किसके ऊपर होता है? इन्फ्लोरेसेंस के ऊपर, पुष्प कर्म के ऊपर अगर ये संक्रमण होता है तो पुष्प जनरली कौन से कलर का होता है? वाइट कलर के फ्लावर होते हैं, लेकिन इसके संक्रमण के कारण जो है ये पुष्प धीरे धीरे कैसे कलर के हो जाते हैं? हरे रंग के हो जाते हैं। और जब ये हरे रंग की अवस्था में आते हैं तब इसे क्या कहा जाता है? हरित वाली अवस्था, ग्रीन ईयर स्टेज। तो इस जो है स्क्लेरोस्पोरा जब बाजरे के ऊपर अपना संक्रमण करता है तो बाजरे के पादप के ऊपर दो स्टेज में ये अवस्था कंप्लीट होती है। दोनों स्टेज दोनों अलग अलग पार्ट्स के लिए है। यदि लीफ पे संक्रमण हुआ तो डाउनी मिल्ड्यू स्टेज स्टार्ट होगी, और यदि संक्रमण इनफ्लोरेसेंस पुष्प क्रम पे हुआ तो ग्रीन ईयर स्टेज स्टार्ट होगी। लेकिन इसी के साथ आपको एक बात और बता देती हूँ कि जैसे ही ये बाजरे में संक्रमण करती है तो स्क्लेरोस्पोरा जो है, ग्रैमिनिकोला जो एक पैथोजन है, वो बाजरे की पूरी बॉडी यानी कि उसकी लीफ और उसके इनफ्लोरेसेंस पर एक साथ संक्रमण उत्पन्न करता है, और उस संक्रमण के कारण पादप की पूरी बॉडी संक्रमित हो जाती है। तो जो पत्तियाँ थी जो हरे रंग की थी अब वो भूरे और पीले रंग की हो जाती है, तो वो प्रकाश संश्लेषण का कार्य नहीं कर पाती है।
और प्रकाश संश्लेषण का कार्य नहीं कर बन होने के कारण सिंपल सी बात है भोजन का निर्माण नहीं होता, और जब भोजन का निर्माण नहीं होता तो जो पुष्पकर्म है उसको भोजन पोषण कहाँ से मिलेगा। तो जो पुष्पकर्म सफ़ेद रंग का था, जो फर्टिलाइजेशन के पश्चात एक सीड बनाना चाहिए था, अब वो हरे रंग का रह जाता है और उसके अंदर फर्टिलाइजेशन और पॉलिनेशन जैसी कोई क्रिया नहीं होती, तो बाजरे की जो बाली होती है वो भी कैसे रंग की रह जाती है, हरे रंग की ही रह जाती है। ये हैं इसके सिम्टम्स। अब आपन बात करते हैं आगे इन्फ्लोरेसेंस की, इसी पुष्पकर्म की, कि पत्तियों का तो हमने देख लिया कि वो भूरे या पीले रंग की हो जाएंगी, नीचे की सरफेस पे सतह पर सफ़ेद रंग की हो जाएंगी। लेकिन जैसे ये इन्फ्लोरेसेंस है जो हरे रंग का हो जाता है, और अगर ये संक्रमण और आगे तक रेगुलर बढ़ता रहा तो इसके कारण जो हरी जो बाली है जो हरे रंग में चेंज हो गई, ये हरे रंग की बाली धीरे धीरे कैसी हो जाएगी, कैपिटेट। कैपिटेट को हिंदी में कहते हैं मुंडक। मुंडक जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनका मुंडन करवाते हैं तो गोल मटोल खोपड़ी होती है, उसी की तरह क्या हो जाएगी उनकी, बाजरे का जो भुट्टा है वो मुंडक टाइप का बन जाएगा, कैपिटेट कहते हैं उसको पैथोलॉजी की भाषा में। क्या बन जाएगा वो, कैपिटेट टाइप के लक्षण प्रकट करने लग जाएगा, यानी कि उस बाजरे के भुट्टे में दाने जैसी संरचना तो बनेगी ही नहीं, केवल क्या बनेगा उसमें, हरे रंग के बाली जैसी संरचना बनेगी, और वो भी क्या कहलाएगी, मुंडक कहलाएगी। तो इस तरीके से जो है ये इसके सिम्टम्स हैं अलग अलग जो इसके द्वारा प्रकट किए जाते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके एटियोलॉजी की, हेतु विज्ञान। लास्ट रिकॉर्डिंग में भी मैंने आपको समझाया था कि जब अपन किसी भी डिजीज की एटियोलॉजी पढ़ते हैं जिसको कहते हैं हेतु विज्ञान, तो उसके अंदर सबसे पहले देखा जाता है उसका पैथोजन, और फिर उस पैथोजन के जो सिम्टम्स हैं उनके बारे में डिटेल से लिखा जाता है। तो आज अपन बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक एटियोलॉजी। हेतु विज्ञान, तो हेतु विज्ञान में सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, पैथोजन का नाम लिखते हैं। पैथोजन के नाम के बारे में मैंने अभी आपको समझाया था, पैथोजन कौन है, स्क्लेरोस्पोरा, फैमिली है इसकी ग्रैमिनिकोला, तो पैथोजन का नाम क्या हो जाएगा, स्क्लेरोस्पोरा। ग्रैमिनिकोला क्या नाम हो जाएगा इसका, स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला। अब देखते हैं अपन इस पैथोजन के बारे में कि जो स्क्लेरोस्पोरा है वो किस तरीके का होता है, कैसे अपना जीवन यापन करता है और कैसे वो रोग फैलाता है। तो इसका जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो आता है कि स्क्लेरोस्पोरा एक अविकल्पी व अंतःपरजीवी, परजीवी अविकल्पी अंतःपरजीवी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ऑब्लिगेट एंडो पैरासाइटिक, अविकल्पी अंतःपरजीवी जो है क्या होता है, ये पैथोजन होता है, यानी कि इसके पास ग्रैमिनिकुल के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता, कोई विकल्प नहीं होता। इसलिए कैसा होता है, ये अविकल्पी प्रकार का होता है, कोई विकल्प नहीं है अगर इसको ग्रैमिनी फैमिली का पैथोजन होस्ट नहीं मिला तो। और ग्रैमिनी फैमिली के अंदर भी किस रूप में रहता है, ये अंतःपरजीवी के रूप में पाया जाता है, यानी कि जो बाजरा है उसकी बॉडी के अंदर ही ये अपना रिप्रोडक्शन करेगा, अंदर ही अपनी ग्रोथ करेगा, और किसके रूप में पाया जाता है, परजीवी के रूप में पाया जाता है, यानी कि ना तो ये मृतोपजीवी के रूप में रहता, ना ये सहजीवी के रूप में रहता, परजीवी के रूप में रहता है।
यानी कि केवल उससे पोषण ही पोषण, भोजन ही भोजन का अवशोषण करता रहता है, बल्कि ना तो उसे उस पोषण के बदले कोई वो पहुंचाता, फ़ायदा पहुंचाता, और ना ही उसको उससे कोई वो होती क्या बीमारी, सॉरी बीमारी का नाम आया उसके अंदर पैथोलॉजी। तो हम क्या कहेंगे कि ये केवल एक परजीवी के रूप में रह करके ही, अंतः परजीवी के रूप में रह करके एक अविकल्पी के रूप में अपना जीवन यापन करता है। तो आज की क्लास के लिए अपन इतना ही, आज की क्लास के लिए सबको धन्यवाद। नेक्स्ट बचा हुआ टॉपिक जो है वो अपन नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं।